गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामग्री नियंत्रण। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि वस्तुओं का निर्माण लागत के तीन तत्वों के मिलने से होता है, सामग्री, श्रम एवं व्यय, जिसमें सामग्री का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। वस्तु की लागत में सबसे बड़ा भाग भी सामग्री की लागत का होता है। अतः वस्तु की लागत पर नियंत्रण रखने के लिए यह जरूरी है कि सामग्री पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित किया जाए, जिसमें सामग्री का प्रबंधन, संगठन, सामग्री का क्रय, सामग्री का संग्रहण, सामग्री का निर्गमन और निर्गमित सामग्री का मूल्यांकन आदि कई स्तरों पर हमें इसके नियंत्रण की आवश्यकता होती है। नियंत्रण के सबसे मुख्य इसके लिए हम इसके विभिन्न स्टॉक स्तर निर्धारित, जिसमें पहला है पुनः आदेश स्तर, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, न्यूनतम स्टॉक स्तर, अधिकतम स्टॉक स्तर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, औसत स्टॉक स्तर, एवरेज स्टॉक लेवल, सामग्री का वह स्तर, डेंजर स्टॉक लेवल। पुनः आदेश स्तर, रीऑर्डर लेवल, सामग्री का वह स्तर जिस पर स्टोर कीपर द्वारा सामग्री क्रय करने की आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है, पुनः आदेश स्तर कहलाता है। अर्थात क्रय मांग पत्र बनाकर क्रय विभाग को भेज दिया जाता है। इस स्तर को निर्धारित करने से सामग्री न्यूनतम स्तर तक पहुंचने से पहले ही पुनः प्राप्त कर ली जाती है और उत्पादन बंद होने की संभावना नहीं रहती है। यह स्तर न्यूनतम स्टॉक स्तर से ज्यादा एवं अधिकतम स्टॉक स्तर से थोड़ा कम होता है। पुनः आदेश स्तर का निर्धारण करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि सामग्री के क्रय के आदेश पत्र तैयार होने में, किससे खरीदना है, पूरी प्रोसेसिंग पूरी होने पर सामान वापस स्टोर में आने तक में कुछ समय लगता है। उस अवधि के पूरा होते होते हमारा सामान वापस हमें मिल जाए ताकि हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल से नीचे ना चला जाए, इसलिए इस स्तर पर आते ही हमें आदेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। दूसरा स्तर है हमारा न्यूनतम स्टॉक स्तर, मिनिमम स्टॉक लेवल, सामग्री का वह स्तर जिससे कि कम सामग्री की मात्रा प्राय स्टोर में नहीं होने दी जाती है, न्यूनतम स्टॉक स्तर कहलाता है। इसके लिए सामग्री के क्रय की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि सामग्री की मात्रा न्यूनतम स्टॉक की मात्रा तक पहुंचने से पहले ही प्राप्त हो जाती है। संकटकालीन परिस्थितियां जैसे युद्ध, बाढ़, भूकंप, बाजार में सामग्री का अभाव आदि परिस्थितियों में यह स्टॉक बहुत उपयोगी होता है क्योंकि कुछ दिनों तक उत्पादन जारी रखा जा सकता है। अतः इसे संकटकालीन स्टॉक स्तर या इमरजेंसी स्टॉक लेवल भी कहा जाता है। तीसरा हमारा स्तर है अधिकतम स्टॉक स्तर। अधिकतम स्टॉक स्तर सामग्री का वह स्तर है जिससे ज्यादा सामग्री की मात्रा स्टोर में नहीं होने दी जाती है। यदि इससे ज्यादा सामग्री स्टोर में हो जाती है तो उसकी भंडारण लागत बढ़ जाती है, जिससे अनावश्यक रूप से लागत की वृद्धि होती है। मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इन दोनों का औसत, यानी दोनों को जोड़ के हम दो का भाग दे दें तो जो औसत है वह हमारा कहलाता है औसत स्टॉक स्तर। और एक स्तर है हमारा डेंजर लेवल, भय स्तर, सामग्री का वह स्तर जिससे कम सामग्री की मात्रा स्टोर में नहीं होने दी जा सकती, भय स्तर कहलाता है। यह मिनिमम स्टॉक लेवल से थोड़ा नीचे का होता है। यदि सामग्री का स्टॉक इस स्तर से कम हो जाए तो तुरंत ही सामग्री क्रय की जानी चाहिए, चाहे वे किसी भी मूल्य पर किसी भी शर्त पे हमें मिल रही हो। विभिन्न स्टॉक स्तरों को ज्ञात करने के सूत्र इस प्रकार हैं: रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर, मैक्सिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, अधिकतम उपभोग की दर मल्टीप्लाइड बाय अधिकतम पुनः आदेश की अवधि, यानी हमें अधिकतम कितना उपभोग करना किया जा सकता है और अधिकतम कितनी अवधि हमारी पुनः आदेश की लगती है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वह हमारा पुनः आदेश स्तर को निर्धारित करता है। मिनिमम स्टॉक लेवल, न्यूनतम स्टॉक स्तर, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजेशन रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर लेवल ये वही है जो हमने पहले सूत्र में ज्ञात किया है। इसमें से औसत उपभोग की दर और औसत अवधि के गुणनफल को घटा देने पर हमें मिनिमम स्टॉक लेवल ज्ञात हो जाता है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, पुनः आदेश स्तर प्लस पुनः आदेश मात्रा, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे हम मिनिमम कंजप्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड।
इसमें रीऑर्डर लेवल वही है जो हमने पहले सूत्र में ज्ञात किया है। यहाँ पर रीऑर्डर क्वांटिटी या तो हमें सूचना में दी हुई होगी, अन्यथा इसे ज्ञात करना होता है, इसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। इन दोनों के जोड़ में, योगफल में से हम यदि मिनिमम कंजप्शन रेट, सबसे कम न्यूनतम उपभोग की दर और न्यूनतम अवधि को गुणनफल को घटा देंगे तो हमारा अधिकतम स्टॉक स्तर ज्ञात हो जाएगा। औसत स्टॉक स्तर, जैसा मैंने पहले बताया था, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल को जोड़कर हम दो का भाग दे देंगे तो जो औसत है वो हमारा ज्ञात हो जाएगा। इसे ज्ञात करने का एक सूत्र और भी है, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। इससे भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन जहां तक संभव हो पहले सूत्र को अपनाना ही सही रहता है। इन दोनों सूत्र से ज्ञात किए गए औसत स्टॉक की अवधि अलग अलग आएगी। कंजप्शन रेट, इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। सूचनाओं में कंजप्शन और यूजेज दोनों का अर्थ एक ही होगा, इसी प्रकार एवरेज और नॉर्मल इन दोनों का अर्थ भी एक ही माना जाएगा। इन स्टॉक स्तर को ज्ञात करने की एक वैकल्पिक विधि भी है, रीऑर्डर लेवल। यदि सूचना हमें लीड टाइम और यूजेज रेट के रूप में दे रखी हो तो फॉर्मूले इस प्रकार से अप्लाई किए जाएंगे। रीऑर्डर लेवल लीड टाइम मल्टीप्लाइड बाय यूजेज रेट प्लस सेफ्टी स्टॉक। इसमें लीड टाइम अपन ज्ञात कर लेंगे, वार्षिक कितनी आवश्यकता इकाइयों की और साल भर में कितने दिन है, यानी पर डे हमें कितनी इकाइयों की आवश्यकता है, यह हमारी यूजेज रेट होगी। और सेफ्टी स्टॉक हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल भी कहलाता है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा डेज ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय यूजेज रेट। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी, जो पहले भी आया था हमारा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं इसको हम, प्लस सेफ्टी स्टॉक। यानी सेफ्टी स्टॉक को हम रीऑर्डर क्वांटिटी में जोड़ दें तो हमारा मैक्सिमम लेवल ज्ञात हो जाएगा, और मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल का औसत हमारा एवरेज स्टॉक लेवल कहलाता है। विभिन्न सूत्रों में जो रीऑर्डर क्वांटिटी शब्द है इसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आदेश की वह मात्रा है जहां पर हमारी लागत न्यूनतम होती है, या ऐसे कहें कि यह आदेश की वह मात्रा है जहां आदेश देने की लागत और भंडारण लागत समान होती है। इससे कम इकाइयों का आदेश देने पर भी लागत अधिक आएगी और ज्यादा इकाइयों का आदेश देने पर भी कुल लागत अधिक आएगी। यदि हम इस मात्रा से कम आदेश देते हैं तो हमारा आदेश की लागत तो कम हो जाएगी, आदेश की लागत भंडारण लागत कम हो जाएगी, लेकिन हमारी आदेश की लागत बढ़ जाएगी। और यदि इससे हम ज्यादा मात्रा का आदेश देंगे तो हमारी आदेश की लागत बढ़ जाएगी और भंडारण लागत, आदेश की लागत तो कम हो जाएगी लेकिन भंडारण लागत हमारी बढ़ जाएगी। इसको ज्ञात करने का सूत्र है, इसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में EOQ भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है अंडर रूट 2CO डिवाइडेड बाय I। I भी यूज कर सकते हैं और हम UI भी कह सकते हैं। यहाँ पे C का मतलब है वार्षिक उपभोग, एनुअल कंजप्शन, यानी एक साल भर में हमें कितनी इकाइयों की आवश्यकता है वह हमारा C या कंजप्शन कहलाता है। O प्रति आदेश लागत, कॉस्ट पर ऑर्डर, एक आदेश देने की जो लागत होती है वह हमारी यहाँ पर ओ प्रति आदेश लागत कहलाएगी। यदि भंडारण लागत की सूचना प्रश्न में है तो 2CO को भंडारण लागत से डिवाइड करने पर हमें EOQ ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यदि भंडारण लागत कैरिंग कॉस्ट हमें प्रतिशत में दे रखी है तो इसे प्रति इकाई लागत पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके ज्ञात किया जाएगा। प्रति इकाई लागत वह लागत है जिस पर इकाइयों को क्रय किया जाता है। इन सभी फॉर्मूलों को स्टूडेंट्स आपको नोट डाउन करना है, लर्न करना है। इसको कैसे हम प्रयोग करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो मैं बताऊंगी आपको अपने अगले लेक्चर में। आज इतना ही।